assalamu alaikum everyone it's me pavasha and you're watching restyle with pavasha bohat may viewers and or mere subscribers ko. सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं मेरे जो कि सब्सक्राइब नहीं करते तो दोनों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एक प्यारी नींद के बाद बहुत ही मज़े का सोई मैं इतने टाइम के बाद पूरे तीस दिन जब तक रमज़ान था नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी लेकिन अभी मेरी नींद पूरी है और मैं जो हूँ उठ चुकी हूँ और आप लोगों को एक बात बताती हूँ मेहंदी आप लोगों को मेरी दिख रही होगी कलर इतना अच्छा है लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है मैं आप लोगों को दिखाती ये है मेरे मुंह का डिज़ाइन जो कि मेहंदी का मैंने लगवाया है जो कि मैंने लगवाया नहीं है लेकिन लग गया मेरे ऐस मेहंदी का कलर तो बहुत 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 हसीन आया लेकिन मुँह पे भी हाँ मुँह पर मेरे कलर आ गया यहाँ अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा क्योंकि फेस वॉश करने से थोड़ा सा लाइट हो गया है लेकिन मैं आप लोगों को बाजू पे दिखाती हूँ मैंने बाजू पे बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं बनवाया था लेकिन फ्री में लग गया वैसे तो बाकी भी फ्री में ही लगवाया लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा क्या हुआ मेरे साथ आ, दूसरी तरीके से दिखाती हूँ ये है मेरे बाजू का डिज़ाइन जो कि मेरे लेफ़्ट हैंड का डिज़ाइन था पूरा का पूरा जो है ना उसका यहाँ पर निशान बना है डिज़ाइन पूरा ही बन गया है यहाँ पर मतलब मैं कैसे सो रही थी मुझे समझ नहीं आ रही दूसरे हाथ का ये डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ दूसरा हाथ आप लोगों को जी तो ये वाला डिज़ाइन है जो कि मेरे दूसरे बाजू पे जो है वो छप गया पूरा का पूरा मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब मैं क्या करूँगी ब्लीच से ना उतरा तो लेट्स ट्राई ब्लीच और वो भी फिर मेरे आपको पेट से फिर शेज करनी पड़ेगी जी Fine. तुम्हारे भी है ना तुम्हारे कहाँ कहाँ लगा पूरे मुँह पे पूरे लग गया गाय वो बैठी ऐसे जैसे इंडियंस को नहीं बिठाते वाओ। वेरी नाइस। बदतमीज ये मैंने संभाल ली है सारी पेड़ गाय गाइस चले मैं फ्री में प्रमोशन करती हूँ अगर आप लोग स्क्रंचिज खरीदना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आए और ऑर्डर करें अपनी स्क्रंचीज बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे 150 की टू मिल रही हैं आपको ईद डिस्काउंट पे गाइस ईमान की ईदी तो हमने उसको दे दिया है और अब ये हम दे रहे हैं किसको सिमरा को और बस बुलाया ईमान गई है सिमरा को लेने उसके घर तो जैसे ही वो आती है तो फिर उसको हम ईदी देते हैं ये पकड़ो अकड़ा हुआ नोट ये किसी लगता है तुमने बैंकर से ली हैं <laughs> कौन से और ये ये क्या है ये भी मैं आपको लोगों को बताती हूँ पहले मैं सिमरा को ही दे दे दूँ जी एलिशा ये अलीशा और मेरी तरफ से ये ना समझना मेरी तरफ से भी सौ रुपया डोर डोर आपको दोनों को हंड्रेड हंड्रेड हमने दिया है ठीक है नोट हमारे पास यही थे जो कि कड़ाके आवाज आई आ <laughs> तो मुबारक ईद मुबारक टू थैंक यू गाइज ये है अलीशा ने ईद बास्केट रेडी की है दुआ के लिए अपनी बेस्टी के लिए और मेरी बहन के लिए <laughs> तो ये आप लोग देख सकते हैं ये है मेहंदी और ये है चूड़ा <laughs> नहीं, ये मेहंदी और अलीशा इतनी तुमने सेटिंग कर दिया मैंने दिखानी थी कि तुमने अच्छा, इतनी प्यारी बनाई है ये उसने एक कार्ड बनाया है जो कि इस तरह से यहाँ से इसने ये ख़ुद से राइटिंग करके पेस्ट किया है बहुत ही प्यारा फितर मुबारक और ये भी इसने ख़ुद से बनाया जिस पर उसने लिखा आई शित्रू। आई शित्रू पता नहीं, है नहीं ऐसे मीन्स करते हैं कि आयशतरू मैं तो ये पढ़ रही हूँ आई लव यू ओके ये दुआ है और ये तुम हो है ना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और साथ में ये थीम के साथ फिफ्टी रुपीज़ <laughs> उसने जो है इसमें ऐड किया है क्योंकि लेवेंडर थीम उसने रखा है बास्केट का और ये है चूड़ियाँ बैंगल्स एंड मेहंदी मेहंदी हमें पर्पल नहीं मिली बहुत कोशिश की हमने लेकिन मेहंदी तो ज़रूरी है और ये कैचर है कैचर बहुत प्यारा है और ये क्या है रिंग, रिंग वाओ बहुत ही क्यूट रिंग है इसके साइड पे बो भी है हेलो बहुत प्यारी अलीश और ये इसने चंकी से लूप्स और हुप्स यू कैन से हुप्स ये लिए हैं इसने ये भी लेवेंडर कलर में है ये साथ में ब्लैक पता नहीं इसने क्यों रखा है क्योंकि ये क्योंकि ब्लैक था हाँ शाइनी ब्लैक और ये दो, है। दो क्रंचीज़ हैं जो कि अलीशा ने है। अभी अभी मुझसे परचेज़ किए हैं <laughs> अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है मैंने अभी अभी बास्केट सेट की थी लेकिन मैंने फिर से खाली कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए तो ये कुछ बास्केट उसने सेट किया इस तरह से बास्केट बहुत ज़्यादा जो है वो आ, क्या कहेंगे डीप थी तो उसने उसमें ये थर्मोकोल शीट अभी एड किया और अब इसमें चीज़ें रखेगी और इसमें एक चीज़ की कमी है स्नैक्स और पर्पल स्नैक्स अभी जाकर एलिशा हंट करेगी और फिर इसमें रखेगी मैं स्मोकी पागल हुई हुई है ये क्यों इतनी पागल हो रही है क्योंकि वो खेल रही है अच्छा वो तुम्हारी तरफ फेंकती है कि दोबारा फेंको स्मोकी आराम से ऐसा लग रहा है मेरे साथ कैच कैच खेल रही है हाँ फुल टाइम खेलती है ओए गाइस मामा ने बिरयानी बनाई है खाना बना लिया है और मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है तो अलीशा ने बेसिकली बनवाई है बिरयानी तो अभी हम लोग बिरयानी खाएंगे और उसके बाद जो है देखते हैं क्या करना है रेडी तो मैं अभी बिल्कुल नहीं हो रही अगर मेरा दिल किया तो मैं आज रेडी होंगी वरना नहीं होंगी क्योंकि मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ना लेज़ी हुई मैं और अलीशा की फ्रेंड की तरफ़ जाना था तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ भी जाऊँ तो बस मैं रेस्ट इन पेस करूँगी <laughs> फिर तो रेस्ट करूँगी और पता नहीं कितना रेस्ट कर है मेरे पता नहीं मैंने मेहंदी क्यों लगवाई पता नहीं मैं ड्रेस की मैंने प्रेस किया पता so, नहीं सो मैंने पता नहीं लेकिन अभी फिलहाल हम रेस्ट मोड पे जा रहे हैं One eternity later. जी गाइस तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि अलीशा और मेरी होगी लड़ाई लड़ाई कोई इतनी बड़ी बात पर नहीं हुई थी लेकिन बस बहस हुई हमारी किसी बात पर और कभी हम लोग लड़ते नहीं हैं अगर हमारा कोई मतलब छोटी मोटी बहस होती भी है तो हम लोग उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं विद इन टू टू, टू, टू थ्री मिनट्स बल्कि सॉर्ट आउट भी नहीं करते हैं। खुद ब खुद एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लड़ाई हुई हो और आज भी जस्ट बहस थी और वो एक लड़ाई में बदल गई और उसके बाद ना वो मुझे बुलाना चाह रही थी ना मैं उसको बुलाना चाह रही थी और हुआ ये कि मैंने सोचा कि मैं बड़ी हूँ कुछ नहीं होता मैं उसको बुला लेती हूँ तो मैंने उसको ईदी थी और उसने कहा कि मुझे ईदी नहीं लेनी तो इस बात पर फिर मुझे गुस्सा आया फिर मैं भी हाइपर हो गई और हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा बहस ज़्यादा हो गई और फिर वो बाहर जाकर रो रही थी मैं अंदर रूम में रो रही थी काफ़ी ज़्यादा हम लोग रोए और बाबा ने नोट किया बाबा ने फिर हमारी जो जो भी थी बात उसको सॉर्ट आउट किया बाबा ने कहा कि कितनी फजूल बात पर लड़ रहे हो और वो भी ईद वाले दिन मतलब लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ और ईद वाले दिन तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि कभी ऐसा होगा खैर हम लोग चुपे रहे हम लोग लड़े और उसके बाद फिर रोए हम लोग तो व्लॉग में ये बताने का मकसद ये है कि गाइस आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा हमने किया है स्पेशली ईद या किसी भी फेस्टिवल पर अपने और लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बैठ के आराम से सॉर्ट आउट करना चाहिए क्योंकि देखें वो भी रोई है मैं भी रोई हूँ फ़ायदा कुछ नहीं हुआ वो बाहर रो रही थी मैं अंदर रो रही थी तो आई लव यू अलीशा अगर uh, मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी और सॉरी uh, कहने में गाइस कोई बुरी बात नहीं होती हो सकता है आप बड़े हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मतलब सही बात करें वो मैं ये कह रही थी कि आप आ, वो उसकी थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि वो मज़ाक बर्दाश्त नहीं करती और मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे तंग करने में बड़ा मज़ा आता है तो बस इस वजह से जो है ना हमारी बहस स्टार्ट हुई और उसने जो है मजाक बर्दाश्त नहीं किया और बस फिर बाबा ने हमारी जो भी बहस थी उसको सॉर्ट आउट करवाया और बाबा ने कहा कि बदतमीज़ी नहीं करो और दोनों जो है ना तमीज करो और फिर हमने तमीज़ कर ली और अभी जो है हमारी फाइट सॉर्ट आउट हो गई है अभी बस वो गई है दुआ की ईदी लेकर उसकी फ्रेंड है एक उसके भी रिसेंटली उसका निकाह हुआ है उसकी ईदी लेकर जाना था आज उसने तो उसका मूड अच्छा सा करके उसको ईदी देकर मैंने भेजा है और अभी वो मतलब गई है शाम तक वापस आ जाएगी लेकिन मैं व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने ईद के कपड़े क्यों नहीं पहने एक तो मेरा मूड ख़राब हो गया था तो इस वजह से भी मैं रेडी नहीं हुई और कुछ वैसे मेरी तो थोड़ी तबीयत तो डाउन थी और तीसरी बात यह है कि मेरा जो ईद का ड्रेस था जो एक्चुअल में मैंने पहनना था वो टेलर ने टाइम पे लेने से इनकार कर दिया कि मैं स्टिच नहीं कर सकती तो पहले उसने कहा था कि मैं कर दूँगी लेकिन फिर बाद में उसने इनकार कर दिया तो फिर मैं वो स्टिच नहीं करवा पाई तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और हम दोनों बहनों को दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारी लड़ाई दोबारा कभी मत हो सो स्टेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग्स ब अलीशा घर आ चुकी है और वो ये सब लेकर घर आई है और मैं एकदम से हैरान गई कि ये सब शॉपिंग करने गई थी वो क्या करने गई थी और वो ये सब लेकर आई है ये दुआ ने दिया उसकी फ्रेंड ने जहाँ वो गई हुई थी ये उसने मेरे लिए दिया है आई डोंट नो उसने क्यों लिया ये मेरे लिए लेकिन बहुत ही प्यारा है बहुत ही प्यारा है और अलीशा को भी उसने दिया है ये वाला सेट जो कि ब्लैक और सिल्वर में है बहुत ही खूबसूरत और मेरा वाला भी बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारा है दादू को भी बहुत अच्छा लगा है अम्मी तो बोल कह रही है मेरे साथ पेज शेयर करो तो ये वैसे कार्ड भी उसने साथ में दिया है तो अगर आप लोग भी परचेज करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं बहुत ही बहुत ही प्यारी है ज्वेलरी पर्शियन जेवल्स और ये देखें केक भी दिया उसने यार केक क्यों लिया पेरिसन पर्शियन पता नहीं क्या है मेरा फेवरेट केक। ये अलीशा का फेवरेट केक It. मेरा भी वैसे फेवरेट This है यार ये तो मुझे लग रहा है मैं कल ही पहनूंगी कल चाचू वगैरा ने आना है तो मैं अपने ड्रेस के साथ इसको पहनू बहुत प्यारा बहुत प्यारा थैंक यू सो मच दुआ अभी मैं उसको मैसेज भी करती हूँ मैंने वैसे व्लॉग एंड कर दिया था लेकिन फिर तुम आई हो तो मैंने कहा आई शुड एड दिस इन द्लॉग